सबसे आसान, सबसे सुपर इजी मेटाफेज। मेटाफेज के बारे में, ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। कहाँ पे दिख रहा है आपको? इक्वेटोरियल प्लेट पे। क्रोमोसोम्स आर मूव्ड, जा चुके हैं टू स्पिंडल इक्वेटर। And get aligned along metaphase। इसको मेटाफेज प्लेट भी बोला जाता है, जो है ना इक्वेटोरियल प्लेट, ये इमेजिनरी लाइन है। अगर मैं आपसे पूछू आपको अपने अर्थ का इक्वेटर दिखता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, किसी ने लाइन थोड़ी खींच रखी है, वो तो आप इमेजिन करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, इमेजिनरी लाइन है। थ्रू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट। किसके थ्रू? स्पिंडल फाइबर्स। टू बोथ होल्स, दोनों तरफ से। बस एक ही लाइन ही है मेटाफेज में, और कोई लाइन ही नहीं है। शॉर्टकट में आपको याद रखना, ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। आप बनाते रहिए जितनी कहानी बनानी है आपको, कि स्पिंडल फाइबर्स, इसके काइनेटोकोर से स्टिक हो रखा है, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आके बैठे हुए हैं। और हाँ, एक और चीज है, यहाँ पे ये सबसे अच्छा फेज है आपको, जहाँ पे क्रोमोसोम का जो थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे नंबर क्या कैसे प्रेजेंट है, ये सब ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, हो गया ये, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट मेटाफेज का। चलिए, हाँ एक और चीज है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज में मैंने कोई नंबर नहीं दिया था, क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट स्टेज माना जाता है दोनों के बीच का। लेकिन मेटाफेज को नंबर 3 जरूर दे देंगे, सॉरी नंबर 2। एनाफेज को हम लोग नंबर 3 देंगे, इसको आप नंबर 2 जरूर दे देंगे। हमने ट्रांजिशन टू मेटाफेज को कोई नंबर नहीं दिया है, क्योंकि वो प्रोफेज और मेटाफेज के बीच का इंटरमीडिएट स्टेज है।